आपका स्वागत है हमारे चैनल ऋषभ की कक्षा में। और हम आगे बढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे और एक और टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं एक और टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमने देखा वेरिएबल डिक्रेशन एक्सप्रेशन, हमने अच्छे से पढ़ा। और एक्सप्रेशन में एक बिटवा एक्सप्रेशन था जो मुझे समझ में नहीं आया था, अब मैं समझ कर आया हूँ और आपको भी समझाने के लिए तैयार हूँ। और लेवल्स हमारा बाकी था, अब वो अब लेवल्स भी करेंगे हम। क्या होता है लेवल्स? एक कॉन्सेप्चुअल और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है लेवल्स, क्योंकि मेरे क्लास में मेरे कॉलेज में नहीं तो मेरे टीचर मेरे क्लास में मेरे कॉलेज में 90% बच्चों को नहीं पता कि लेवल्स क्या होता है, पर मैं समझ कर आया हूँ आपको पढ़ाने के लिए। चलो चलते हैं अपने टूर की ओर। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं एक्सप्रेशन क्या होता नहीं, लेवल्स क्या होता है। लेवल्स एक ऐसी चीज होती है, मैं मानू जैसे आपके पास एक नोटबुक है या बुक है, तो बुक के ऊपर कवर चढ़ा देते हैं। स्कूल में होता है कि कवर चढ़ाओ लेबल लगाओ, तो लेबल क्या बताता है हमें? किसी नोटबुक के ऊपर लेबल लगाया हुआ, वो लेबल क्या बताता है? वो लेबल बताता है कि इस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट को एक नाम दिया गया है। जैसे साइंस, साइंस की बुक के अंदर क्या है? साइंस के स्टेटमेंट्स है। साइंस के क्या चीज साइंस है, क्या चीज है, मतलब साइंस के टोटल स्टेटमेंट्स है। और उस पूरे बुक को एक रिप्रेजेंट करने वाले चीज क्या है? लेबल के ऊपर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के क्या लिखा हुआ है? साइंस, मैथ, सोशल साइंस। अगर टीचर को कैसे पता चलेगा कि वो बुक किसकी है? तो हमारे बुक को रिप्रेजेंट करता है हमारा नाम। जैसे कि जैसे सी प्रोग्रामिंग में कोडिंग में कोड करते समय एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लेबल लगाया जाता है। तो अब लेबल को देखा जाए क्या चीज होती है। और हमारा प्रिया प्रेम फुल हमारा आ, 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 कहाँ है हमारा कोड? देव सी प्लस प्लस में हम कोड करते हैं और देव सी प्लस प्लस में हम कोड करते हैं क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा कोडर है। हम वीएस कोड में देखते हैं कि वो हमारे कुछ ज्यादा काम नहीं आता। वीएस कोड बहुत काम का है पर वो मेरे को थोड़ा ये स्पेशल लगता है, ये अच्छा लगता है। सबसे पहले हमें जो भी करते हैं स्टैंडर्ड प्री प्रोसेस करा है, इंक्लूड किया स्टैंडर्ड आई इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को। मेन फंक्शन बना है, मेन फंक्शन क्या? यूजर डिफाइंड फंक्शन है, परसिस्टम फंक्शन भी है, दोनों चीजें एक साथ, क्योंकि हम डिफाइन करते हैं इसलिए यूजर डिफाइंड फंक्शन है, और सिस्टम इसको कंपाइल करता है इसलिए सिस्टम प्रोसेस सिस्टम फंक्शन है। चलो ठीक है, देखते हैं आगे। हम क्या कर रहे थे? हम जानते हैं हम प्रिंट एफ करते हैं, प्रिंट एफ करते हैं ऋषभ की कक्षा। क्या आपको पता है इन्फिनिटी टाइम ऋषभ की कक्षा को मैं रन कैसे करूं बिना रिकर्जन के, बिना लूप के? एक ओपन के पास एक चीज है भाई, हमने क्लास डिक्लेयर किया इसको, हमने चाह के हम इसका लेबल है वो अब नाम रखें क्लास, तो हमने क्लास लिख लिया और उसके बाद कॉलन लगाया। कॉलन लगा तो ही ये प्रिंट है ऋषभ की कक्षा रिप्रेजेंट किसके नाम से हुआ? क्लास के नाम से। अगर मैं क्लास को कॉल करता हूँ तो प्रिंट एफ होगा ऋषभ की कक्षा, वो भी इन्फिनिटी टाइप, क्योंकि हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, सीधा अपन लगा रहे हैं। अब देखो हम गो टू स्टेटमेंट लगा, गो टू स्टेटमेंट क्या है? गो टू स्टेटमेंट कहता है तू वहां जा, तू वहां जा। गो टू कहता है क्लास, तू यहाँ, गो टू क्लास। समझ में आया? एक ऑपरेटर है जो क्लास को कॉल करता है, कॉलिंग करने के लिए स्टेटमेंट यूज लिया जाता है गो टू। अब हम इंफिनिटी टाइम इसको हम इंफिनिटी टाइम इन्फिनिटी टाइम इसको अपन रन करेंगे। ओ कितने सारे ऋषभ की कक्षा आ रही है, पर मैं इसको देख नहीं पा रहा हूं क्योंकि ये इन्फिनिट टाइम, क्योंकि हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि गो टू स्टेटमेंट मतलब जो क्लास है वो कितनी बार कॉल होनी चाहिए, इसलिए वो इन्फिनिट टाइम हो रही है। चलो भाइयों एक और प्रोग्राम बनाकर देखने क्या यूज है गो टू का। गो टू
मैंने आपको बताया, अगर किसी भी सिंटेक्स को इन्फिनिटी टाइम यूज किया जाता है, मतलब इन्फिनिटी टाइम उसको वापस कॉल किया जाता है, तो हम गो टू स्टेटमेंट से कर सकते हैं। गो टू स्टेटमेंट ज़्यादातर यूज तो नहीं होता है, पर ये इम्पॉर्टेंट सिंटेक्स है, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इन सी का। चलो ठीक है, एक और फंक्शन बनाकर देखते हैं कि वो फंक्शन क्या काम आता है। तो हम एक फोर लूप लेंगे, पैराथेसिस लगाएंगे। आपको पता है सिंटेक्स फोर लूप का? नहीं पता है तो हम कोई नहीं, आगे आपको लूप्स पढ़ेंगे तो इसमें बताएंगे। तो हमने इंट आई इज इक्वल टू 0 लिया, आई को 8 बार प्रिंट करवाने का विचार किया, और आई प्लस प्लस। लूप क्या होता है? लूप एक ऐसी चीज होती है, लूप क्या होता है? घूम फिर कर वापस वहां पर आ जाओ, घूम फिर कर वापस वहां पर आ जाओ। और कितनी बार आ जाओ, ये बीच वाली कंडीशन बताती है कि कितनी बार आना है आपको घूम फिर कर वापस वहीं। तो यही चीज लूप होती है। लूप एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सी का, जिसे हम जरूर समझेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। ये बहुत अच्छा है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एकदम डीप। डीप मीन्स डीप। मैं चाहता हूँ कि मेरे भाइयों को एकदम अच्छे से एक एक फंडामेंटल टॉपिक सी के आने लग जाए। तो हम करते हैं एंटर द नंबर 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 और 0 टू एग्जिट एग्जिट। 0 दबाने से एग्जिट हो जाएगा, और नहीं तो आप नंबर प्रिंट कर सकते हो। स्कैन एफ करा देता हूँ, स्कैन एफ। एड्रेस डी, एड्रेस डालना पड़ता है स्कैन एफ। ये तो मैंने आपको समझाया आई थिंक। तो अब देखो, जैसे ही हम इसको, अच्छा हमने एक चीज को डिक्लेयर नहीं किया था सबको। अच्छा डी, चलो डी करते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं डी को। सॉरी, डी को डिक्लेयर किया हमने। अरे भाई, थोड़ी सिंटेक्स प्रॉब्लम आई है इसमें, तो वो मैं सॉल्व करता हूँ। मैं स्लो टीचर हूँ पर समझाऊंगा आपको क्लियर एकदम। तो जैसे ही हमने प्रिंट किया, तो अब कोई भी अपन दबा रहे हैं, ये जब तक चलेगा 8 बाय 8 बार। पर अब एग्जिट कैसे हो हम इससे, प्रोग्राम से? तो हम एक चीज बनाते हैं। हमने एक एग्जिट फंक्शन बना दिया। इफ इफ डी की वैल्यू अगर 0 हो तो गो टू एग्जिट, तो गो टू एग्जिट। और हमने यहां पर क्या किया, एक एग्जिट लेबल बना दिया। एग्जिट लेबल बनाने से क्या हुआ कि इस लेबल में कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो जैसे हमने फंक्शन, जैसे आपने दबाया 9, जैसे 0 दबाते हैं हम, तो
प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाते हैं। मतलब हमने डेफिनेशन क्या रखी है एग्जिट की, जीरो। तो अगर हम कोई भी ऐसे तो प्रोग्राम चलाएंगे तो इसमें बोला है जीरो टू एग्जिट, पर अपन जैसे ही जीरो लगाएंगे एग्जिट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम। तो कुल मिलाकर गो टू का ये रूल है, गो टू को, गो टू मतलब यहाँ तुम्हें जाना है, गो टू तुम्हें वहां जाना है, ये चीज है, फंडामेंटल टॉपिक है गो टू का। और अब लेवल्स के बारे में पढ़ते हैं। लेवल्स टू टाइप्स के होते हैं भाई, लेवल्स टू टाइप्स के होते हैं। जैसे ये गो टू स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लगाया, ये गो टू एग्जिट नेस्टेड लूप के अंदर, तो ये लोकल लेबल हुआ। और एक कन्वर्जनल लेबल होता है जो नेस्टेड लूप के अंदर होता है। तो ये डिफरेंस है लोकल लूप, लोकल लेबल में और कन्वर्जनल लेबल में। और इसी के साथ हमारा लेबल तो कंप्लीट हो जाता है, आगे बचता है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है ये भी पढ़ना बाकी है ना हमें, चलो चलते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है? बिटवाइज ऑपरेटर एक चीज होती है, आपको पता है, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। एक इंटीजर माने तो इंटीजर में दो बाइट का हम इंटीजर माने तो कितने इसमें बिट होंगे? 16 बिट होंगे। जैसे हमने प्रिंट किया 2, और हम जैसे ही यूज करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर, तो जो बिट होते हैं ना, बिट वाइज मतलब बिट हमने जैसे ही इसको आगे किया, तो जितनी बार हम चाहते हैं वो बिट उतने आगे चले जाएंगे या उतने पीछे चले जाएंगे, उसे कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। जैसे ही जैसे हमने इसमें देखो, हमने आई की वैल्यू रखी 2, ठीक है, और जे की वैल्यू रखी, जे इज इक्वल टू आई, आई से बड़ा होना चाहिए 1। तो क्या वैल्यू आती है देखते हैं। ओ सॉरी, प्रिंट करना बाकी रह गया, प्रिंट मैं भूल गया, प्रिंट कराना, प्रिंट एफ। हम जे की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो इसमें आप समझ सकते हो कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, 4। अब मैंने आई की वैल्यू तो 2 लिखी, तो जे की वैल्यू 4 कैसे आ गई? 4 कैसे आई है? आपको सबसे पहले तो जाकर बाइनरी नंबर पढ़ो पढ़ो भाई, क्योंकि बाइनरी नंबर एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे सी लैंग्वेज में। बाइनरी नंबर के थ्रू ही इसका चीज है। हमने 2 रखा, आई की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 2 होती है 10 बाइनरी नंबर में, 10। अब बिट वाइज हमें हमने कहा बिट वाइज ऑपरेटर को एक एक बिट आगे ले लो, एक एक बिट आगे ले लिया तो 10 आगे गया तो 100 हो गया, और 100 का अपन डेसिमल में निकाले तो 4 होता है, मतलब 4 आता है, तो हमारे 4 आ गया। अब अगर इसको 2 कर देंगे कि बिट वाइज ऑपरेटर 2 बिट आगे चला जा, तो क्या होगा देखते हैं क्या होता है, 8 हो गया। अब मैं कहता हूं बिट वाइज ऑपरेटर 3 बार आगे चला जा, तो वो 3 आ जाएगा। ये क्या हो रहा है? पहले तो 10 का 0 हुआ, अब 16 हो गया। कैसे हुआ 16? 10 से 100 हुआ, 100 से 1000, 1000 से 10000, ऐसे ऐसे जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू से बढ़ती जाएगी, ठीक है। यही बिट वाइज ऑपरेटर था। बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर तो नहीं है, पर इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है। मैं भी पहला कंफ्यूज हो गया था कि ये बिट वाइज ऑपरेटर है क्या, पर मैंने समझा समझा और आपको बता रहा हूँ बिट वाइज ऑपरेटर क्या है। एक इंटरेस्टिंग ऑपरेटर जो बिट्स को आगे भेजता है, ठीक है। और इसी के साथ हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है, और मैंने आपको लेबल्स और बिट वाइज ऑपरेटर समझाया। और मैं चाहता हूं कि अगर आपको हमारा हमारे सी की लैंग्वेज सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, तो आप रेगुलर हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और कुछ टॉपिक आपको समझ में नहीं आए क्योंकि आपने हमारे पिछली क्लास को नहीं देखा है, और जाइए और सारे क्लास के मौज उठाइए, मजे उड़ाइए। बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत मेहनत की है मैंने, और देखिए और आगे हम देखते हैं बहुत सारी चीजें।
थैंक यू, धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए और सब्सक्राइब मी, लाइक मी, वेलकम।